साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर एहतसाब अदालत आज फर्दे जुर्म आयद करेगी। नवाज शरीफ पेशी के लिए लाहौर से वापस इस्लामाबाद पहुंच गए। शहबाज शरीफ के हमराह वालिद की कब्र पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। हसन, हुसैन, मरियम और कैप्टन सफदर आज भी अदालत में पेश नहीं होंगे। नवाज शरीफ कहते हैं कुलसूम नवाज जैसे ही सेहतयाब होंगी बच्चे वापस आकर अदालत होंगे। नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी सदर बनाने के लिए नून लीग की कानूनी और सियासी हिकमत अमली तैयार। मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला और मरकजी जनरल काउंसिल के इजलास आज होंगे। कौमी असेंबली का हंगामा खेज इजलास भी आज होगा। सेनेट से मंजूर शुदा इंतखाबी इस्लाहात बिल ऐवान में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नून लीग ने अराकीन को इजलास में पहुंचने की हिदायत कर दी। ऑपोजिशन ने भी एहतजाज का प्लान कर लिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खवातीन पर चाकू के वार करने वाला आज भी कानून की गिरफ्त में न आ सका। पुलिस की जारी करदा तस्वीर में भी मुलजिम की शनाख्त मुमकिन नहीं। पुलिस ने मामले को जामिया कराची से जोड़ दिया। डीआईजी ईस्ट का कहना है 2 साल पहले ऐसा ही मुलजिम तालिबात को हिरासत। आज पुलिस टीम जामिया कराची जाएगी। अमेरिका की नई अफगान पॉलिसी के बाद अस्करी कयादत का दौरा अफगानिस्तान। काबुल में आर्मी चीफ जावेद बाजवा की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब खोलने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी वफद ने अशरफ गनी से सरहदी बाढ़ और शेलिंग के शिकवों पर तहफ्फुज़ात दूर कर दिए। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन नाना के दीन पर जान कुर्बान कर इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की याद का दिन। शाम गरीबा में अहले बैत पर ढाए गए मजालिम का तस्करा। हर दिल गमे हुसैन में डूबा और हर आंख पुरनम। सजदे में सर और 3 दिन की प्यास ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और रुफका की जाविदा कुर्बानियों को खराज अकीदत। मुल्क भर में शबीह जुलजना अलम और ताजिए के जुलूस मजालिस आज़ा नोहा खानी और सीना को भी। मुल्क भर में मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए मौसर इकदामात। मुख्तलिफ शहरों में मरकजी जुलूस बहिफाजत मनाजिल पर पहुंच गए। सीसीटीवी कैमरों और हेलीकॉप्टर से निगरानी मुख्तलिफ शहरों में बंद की गई। मोबाइल फोन सर्विस बहाल। यौम आशूर पर लाखों जायरीन की करबला आमद। दुनिया भर से आए अजादारान जिगरगोशाए बतूल का। मशरिक़ वुस्ता अमरीका बरतानिया और दुनिया भर में यौम आशूर मजहबी एहतराम से मनाया गया। खानवादा रसूल की कुर्बानियां आज भी मशलेरा। मकबूजा कश्मीर में हुकूमत ने मजहबी आजादी भी सल्ब कर ली। मकबूजाबादी फौजी छावनी का मंजर पेश करने लगी। काबिज फोर्सेस का आशूरा के जुलूस पर लाठी चार्ज। मुतादिद अजादार जख्मी। दर्जनों कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हुर्रियत रहनुमा भी नजर बंद। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं चेयरमैन नैब के लिए बेहतरीन शख्स को नामजद किया जाएगा। जो नाम हमारी तरफ से जाएगा उसे पूरी कौम सराहेगी। मौलाना फजलुर रहमान तीनी जमातों के इत्तेहाद के लिए सरगर्म। एमएमए में शामिल जमातों का अहम इजलास 12 अक्टूबर को बुला लिया। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी के करीब पेट्रोल से भरा टैंकर उलट गया। 50,000 लीटर पेट्रोल सड़क पर बह गया। पुलिस रेंजर्स और फायर ब्रिगेड हुकाम ने इलाके को क्लियर कराया।
पाकिस्तान को गीदड़ भभकियां देने वाले नरेंद्र मोदी के हाथ तीर कमान चलाते कांप गए। रावण पर तीर फेंकने के लिए कमान खींची तो तीर हाथ में ही रह गया।